1 सितंबर को पिछोर में वाल्मीकि समाज के 2 सगे भाइयों की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। हत्या से जुड़े 2 आरोपी परिवार के सदस्यों को राजीनामा करने हेतु तो दबाव बनाया जा रहा है और जान से मारने की धमकी दी जा रही है। परिवार ने दिया एसपी और कलेक्टर को आवेदन और मांग की कि फरार आरोपियों को जल्द से जल्द गिरफ्तार कर जेल भेजा जाए और आरोपियों के रिश्तेदार राजेश पुत्र महंत घनश्याम निवासी पुरानी शिवपुरी और फरार आरोपी शेर सिंह का दामाद शेलू जो झांसे का निवासी है, ये लोग भी परिवार के सदस्यों को जान से मारने की और नमा करने की धमकी दे रहे हैं, जिससे हमारी जान को खतरा है। इसलिए फरार आरोपियों को जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाए और आरोपियों के रिश्तेदार के विरुद्ध प्रकरण दर्ज किया जाए। और हत्या में प्रयुक्त बंदूक के साथ अन्य हथियार भी थे, जिसमें बंदूक के साथ एक अध्याय भी बरामद की गई है, लेकिन FIR में आर्म्स एक्ट की धारा नहीं बढ़ाई गई है, उसे भी बढ़ाया जाए। प्रशासन से हम न्याय की गुहार लगाते हैं कि हमें न्याय मिले। सचिन राज भट्ट की रिपोर्ट। क्या नाम है आपका? पवन। पवन पवन, आज पूरे परिवार के एकजुट खड़े हैं, कलेक्टर महोदय के पास भी आवेदन दिया, एसपी महोदय के पास भी दिया, क्या मामला है? 1 तारीख को मेरे 2 भाइयों की हत्या हुई थी, अजय विजय की, उनको पकड़ने की नहीं हुए कोई, और 6 अपराधी पकड़ेगा, 2 नहीं पकड़ेगा, उनके सिपरी में है राजमान, वो मारने की धमकी दे रहा जान से हमें, उनके झांसी में रिश्तेदार उनके दामाद हैं, सैलू नाम है उसका, वो जान से मारने की धमकी दे रहे हैं कि आप राजीनामा कर लो नहीं आपको मार दिया जाएगा। संयदरवज्जे में उनके 2 आरोपी, ये कौन है? 2 आरोपी कौन है? शेर सिंह कल्लू। अच्छा, तो क्या खतरा है आपको? जान से मारने की धमकी दे रहा है वो हमें। अच्छा, तो क्या दबाव बना रहे हैं? दबाव बना रहे हैं, रिश्तेदारों से खबर पहुंचा रहा है, उनके भतीजे रह गए, भतीजी धमकी दे रहे हैं, उनके अमर घावरी के 3 भाई हैं, वो धमकी दे रहे हैं मारने की, वहाँ से पंकज धीरज नीरज ये मारने की धमकी दे रहे हैं हमें, संजय है वो मारने की धमकी दे रहे हैं, संतोष घावरी का भैया। तो क्या काय का दबाव बना रहे हैं? जे राजीनामा कर लो वरना तो मैं भी जान से मार देंगे। तो आप भय में हो? सभी लोग डर में हैं, कोई बच्चे घर में बाहर नहीं निकल पा रहा, स्कूल जाने कोई बच्चे परेशान हो रहे हैं, सब परेशानी चल रही है। क्या चाहते हैं प्रशासन? हम इनको प्रशासन से चाहते हैं कि उनको गिरफ्तार से जल्दी जल्दी गिरफ्तार किया जाए। इसका आवेदन भी दिया है? आवेदन दिया है, एसपी साहब को भी दिया है, कलेक्टर साहब को भी दिया है, ऊपर मुख्यमंत्री को भी आवेदन लगाया है, फैक्स किया है। न्याय चाहते हैं? न्याय चाहते हैं हम।